नमस्कार। सिटी लाइव के शब्द संसार कार्यक्रम में मैं अनु सोगानी सेवार सिटी की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में सिटी लाइव और सेवार सिटी की ओर से इस श्रृंखला मेरा भारत मेरा अभिमान के अंतर्गत हम कई ऐसे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उन्नति और प्रगति का आईना होते हैं। ऐसा ही एक बहुत अहम विषय है किसी भी देश की शिक्षा पद्धति, जो देश के युवा शक्ति के उत्थान और विकास की नींव है। यदि हम अमेरिका के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन की कही सुने तो उन्होंने कहा है, ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज का भुगतान करता है। तो फिर कैसे किसी भी देश की युवा शिक्षित युवा को हम विकास से विमुख रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमें देश की एक नई शिक्षा नीति NEP 2020 की सौगात मिली है। अगर एक आम व्यक्ति की तौर पर उसे सरसरी निगाह से समझने की कोशिश की जाए तो वो कहती है कि हर भारतीय युवा अब और ज्यादा शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनेगा। इसी विषय के कुछ सामान्य किंतु भ्रमित करने वाले बिंदुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ शिक्षा जगत की तीन बहुत ही जानी मानी हस्तियां इस मंच पर मौजूद हैं। मैं उनके एक संक्षिप्त परिचय के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। हमारी मेहमान है प्रोफेसर कानन बाला शर्मा। आपने पिछले 36 वर्षों से लंबे शैक्षणिक कार्यकाल के दौरान राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में HOD पद पर कार्यरत रही हैं। साथ ही आपने सेंटर फॉर कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज के असिस्टेंट डायरेक्टर और USIC के डायरेक्टर पद को भी शोभित किया है। आप महारानी कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुई हैं। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो शिक्षा के पथ को ना छोड़े और अपने स्टूडेंट्स को निरंतर शिक्षित करता रहे। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैडम शर्मा इस क्षेत्र में इतनी सक्रिय हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ मंच साझा कर सक पाए हैं। थैंक यू मैम। हमारे आज के दूसरे अतिथि हैं श्री संदीप सेठी जी। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से आपने बहुत योगदान देते हुए कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। आप CBSE दिल्ली के पूर्व एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं और वर्तमान में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं तथा साथ ही शहर के कई स्कूलों में अपनी शैक्षणिक परामर्श दे रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारी आज की तीसरी शिक्षाविद हैं डॉक्टर नेहा शर्मा। पिछले 26 वर्षों से इस क्षेत्र में आपने कई सेवाएं दी हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की ट्रेनिंग कमेटी की सदस्य हैं, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में PhD की गाइड हैं और अपनी स्वयं की MBA डिग्री व PhD के बाद आपने देश के कई सर्वोच्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में अपना शैक्षणिक योगदान दिया है तथा वर्तमान में आप शांति बिजनेस स्कूल अहमदाबाद में डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत। मैं आज के इस सत्र की शुरुआत कानन बाला मैडम से करना चाहूंगी क्योंकि आप ने मैडम इतने लंबे समय के अपने कार्यकाल के दौरान आपने 1986 की एजुकेशन पॉलिसी भी देखी है, उसके अंतर्गत कार्य भी किया है और अब आपने NEP 2020 को भी देखा है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके अनुभवों के आधार पर इस नई नीति में क्या क्या तो प्रमुख बदलाव किए गए हैं और इसमें क्या कुछ नया जोड़ा गया है। अनुजी, ये जो नई नीति अब अपने इम्प्लीमेंट होने जा रही है, ये एक बहुत ही नई आशा की किरण ला रही है। हम देखें, अगर हमें कॉलेज शिक्षा से जुड़ी हुई रही हूँ
तो कॉलेज शिक्षा में जो बदलाव आने को है वो काफी गंभीर और काफी जबरदस्त कहना चाहिए होगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हम ये चाह रहे हैं कि तकरीबन 3,50,00,000 नई और नई सीट्स हमारी बढ़ जाएंगी, लोगों का एनरोलमेंट बढ़ जाएगा, मतलब जो सकल एनरोलमेंट जो है स्टूडेंट्स का वो बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ नए कॉलेजेस बहुत बनेंगे, और ऑब्वियसली जब नए कॉलेजेस बहुत बन रहे हैं और नई हम बहुत ज्यादा सीट्स बढ़ा रहे हैं तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर बदलाव है कि जो मारामारी हुआ करती थी, कई अच्छे स्टूडेंट्स भी, अच्छे अच्छे छात्र हमारे एडमिशंस नहीं ले पाते थे, उनके लिए नए कॉलेजेस नए एवेन्यूज खुले। मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज लगती है वो ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी जा रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब यह है कि बहुविषयक संस्थान बनेंगे। बहुविषयक का मतलब ये हुआ कि जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो दीवारें थी, ये हट जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टूडेंट, अगर साइंस का स्टूडेंट है, मैंने देखा है, मैं भौतिक विज्ञान पढ़ाती रही हूँ इतने दिन, तो उसमें भौतिकी के साथ साथ कई बच्चे ऐसे थे जो सितार में बहुत अच्छे हुआ करते थे, कुछ को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बट बिकॉज इनके पास में इतना समय भी नहीं होता था और इतना ईज, ऑब्वियसली अपने कोर्सेज ऐसे हुआ ही नहीं करते थे कि वो भौतिक विज्ञान के साथ में कोई संगीत का विषय ले ले या कुछ और ले ले, अपने पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन होने से सबसे पहले तो छात्रों को बहुत सुविधा हो जाएगी, उनके लिए नए एवेन्यूज और ज्यादा खुल जाएंगे, प्लस सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि रिसर्च बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत बढ़ावा मिलेगा रिसर्च को। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पॉकेट्स में रिसर्च होती थी, आप देखिए अगर आपने कुछ नया कण निकाला है तो वो जैसे नैनो पार्टिकल्स हैं, आपने नैनो पार्टिकल्स निकाले, आपने बनाए अपनी लैब में, तो दूसरे की लैब में अगर आप उसका यूज नहीं कर सकते, अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं बन सकते, तो आपका वो नैनो कण बनाना बेकार हो गया। तो ये सबसे बड़ी चीज है इसमें देखा जाए तो, कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी काम करने को मिलेगा। दूसरा ये एक बहुत अच्छी चीज इसमें हुई है कि इसमें आपका जो हायर एजुकेशन का जो कोर्सेज है, बैचलर्स डिग्री जो मिलती है, वो बैचलर डिग्री पहले 3 साल की जो हमारी अभी होती है, अभी चली आई है बरसों से, वही चल रहा है, तो 3 वर्षों का अगर आपने फर्स्ट ईयर कर लिया और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर आप नहीं कर पाए तो आपका कुछ समय में वो फर्स्ट ईयर भी बेकार हो जाता था। कुछ बच्चे एग्जिट करते थे, मतलब पैरेलल एंट्री और पैरेलल एग्जिट पहले तो होते ही नहीं थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा तो वो बेकार हो गया। कई कई लोगों का कई तरह के वजह होते थे, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद कितना ही समझा लो, उनके माँ बाप को नहीं कर पाती थी, वो आगे नहीं पढ़ पाती थी, तो कुछ भी किसी भी कौशल के लायक वो नहीं रहते। अब ये हो गया, फर्स्ट ईयर अगर आपने किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कर लिया तो यू विल गेट अ डिप्लोमा, अगर आपने थर्ड ईयर भी कर लिया तो आपको स्नातक की डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 4 साल का कोर्स कर लिया तो स्नातक डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। तो ये कितनी बड़ी चीज हो गई है, ये बहुत ही बड़ा बदलाव समाज में आने वाला है अगर ये हम ढंग से इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव लाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें चेंज है, जो पहले हमको ये सुविधा नहीं होती थी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो स्किल एजुकेशन है, कौशल शिक्षा जो है, कौशल शिक्षा बहुत ही जरूरी थी। मतलब किसी भी लेवल पे अगर आप कोई भी स्किल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपको बच्चे को कम से कम आत्मनिर्भर तो बना देती है, नहीं तो वो सोचता है कि क्या फायदा इन इक्वेशंस को पढ़ने का, क्या फायदा इस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को करने का, जब हम इसका कुछ यूज कहीं कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप जो एजुकेशन देने वाले हैं वो कौशल बेस्ड होगी, इस वजह से वो भी एक इसका अच्छा सुंदर पहलू है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं या हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी एमएससी करने के बाद भी किसी भी नौकरी के काबिल नहीं रहते, उनको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। तो ये कहना चाहिए स्किल एजुकेशन इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एक अच्छा पॉइंट इसमें ये और है, क्रेडिट स्कीम, सेमेस्टर केमिस्ट क्रेडिट स्कीम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इंट्रोड्यूस है, ऑलरेडी वी वर डूइंग इट। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो होता है, क्रेडिट्स उसमें अर्न करने पड़ते हैं। उसमें क्या है कि आपने कोई डिग्री लेनी है अगर, तो आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट्स उसमें चाहिए,
तो वो क्रेडिट्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स अलग अलग मिलते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके अलग क्रेडिट्स हैं, और सिर्फ थ्योरेटिकल है तो उसके अलग हैं। ये एक यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब आ जाएगी, दैट यू विल बी हैविंग अ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसका मतलब ये हुआ आपके क्रेडिट्स बन गए, आपने 12 क्रेडिट्स तो अर्न कर लिए, अब 3 बचे हैं। कोई बात नहीं, आप कुछ दिन बाद किसी और सब्जेक्ट को पिक कर लीजिए और 3 क्रेडिट्स कर लीजिए, आपकी डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा बच्चों को हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ा एक चेंज है। नहीं तो ये था कि आपको वो 36% नंबर लाने या 40% लाने हैं, कुछ भी करिए, कैसे भी लाइए, हर सब्जेक्ट में पास होइए, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़े। आपने कुछ पर्टिकुलर नंबर कर लिया तो वो बहुत आपको फायदा देगा। तो इस तरह की कई चीजें इसमें हैं। आपके पास में मेरे ख्याल से इतना समय नहीं होगा कि मैं एक एक के ऊपर बोलूं, पर मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इनके अलावा कॉलेजेस की संबद्धता का भी बहुत बड़ा इशू होता है, एफिलिएशन ऑफ कॉलेज, संबद्धता यूनिवर्सिटी से होती है। तो उसमें जो कॉलेजेस हैं उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन करके उस यूनिवर्सिटी की जैसे ही चलना पड़ता है। तो वो अगर ऑटोनोमस बन जाते हैं, स्वायत्तता अगर उन कॉलेजेस को मिल जाती है, उन महाविद्यालयों को अपना एग्जाम करने के लिए, अपनी तरह से पढ़ाने के लिए, अपने सिलेबाई बनाने के लिए, ये सब अगर स्वायत्तता मिल जाती है उन कॉलेजेस को, हम जयपुर में देखते हैं हमारे ऑटोनोमस कॉलेजेस कई बहुत अच्छे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली 15 सालों में ऐसा ये पॉलिसी बता रही है कि धीरे 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 ऑटोनॉमी दे दी जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सोचती हूँ कि बड़े यूजफुल डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द ओल्ड पॉलिसी, एंड बहुत ये हमारे बहुत काम की चीज अब आ रही है, इससे बहुत हमें उम्मीद है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी मैडम, इस पे और थोड़ा सा आपसे हायर एजुकेशन पे डिस्कस करेंगे हम। संदीप जी, अगर हम इस पॉलिसी को एक जनरल लेमैन के लेवल से देखें और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस पॉलिसी में काफी बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, विशेषकर स्कूली शिक्षा प्रणाली जो भारत में अभी है उसको लेकर। तो मैं आपसे चाहूंगी संदीप जी कि हमारे दर्शकों को इस जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम के चेंजेस हैं उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा दें, और साथ में हमें एक चीज और जानने की जो जरूरत है वो ये है कि जो अभी करंट वर्तमान बैचेस जो स्कूल्स में हैं उनको हम इस नई पॉलिसी में कैसे समाहित करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा कि इन बच्चों को इस नई पॉलिसी में हम स्ट्रीमलाइन कर सके। धन्यवाद अनुजी। अनुजी, सबसे पहले हम ये समझ लें कि पॉलिसी बनती है, पॉलिसी का तात्पर्य यानी कि इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर उस पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। पॉलिसी बेस है, पर उसको हम समझें कैसे और उसको हम इस्तेमाल कैसे करें, इसमें बहुत अंतर आ जाएगा जब तक कि पॉलिसी एक्चुअल एक्शन के अंदर आएगी। तो इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत मायने रखता है। अब पॉलिसी कहती है कि आपका ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा 5 साल 3 साल 3 साल 3 साल 4 साल, यानी कि 5 साल की प्री प्राइमरी की पढ़ाई। अब वो पढ़ाई जो हम शहर में बैठ के कर रहे हैं वो हम पहले भी कर रहे थे, लो के जी नर्सरी प्रेप चल रहा था आपका, फर्स्ट और सेकंड चल रहा था, पर हो सकता है कि रूरल एरियाज में ये नहीं चल रहा होगा शायद, तो ये वहां के लिए एम्फेसिस हो गया कि भी आंगनबाड़ी के अंदर आपको 3 साल अपना लेना है, लोअर केजी नर्सरी प्रेप आपको वहीं पे करना है, उसके बाद में आप फर्स्ट और सेकंड में आ सकते हैं। हो सकता है कि पहले डायरेक्टली बच्चे फर्स्ट में आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहे होंगे, पर हो सकता है। तो इसको ये चाहते हैं कि ये पक्का कर लें। तो 5 साल की उन्होंने नींव यहाँ पे डाल दी प्री प्राइमरी तक, उसके बाद में उन्होंने 3 साल का क्लास आप, और ये पहले 5 साल में वो कह रहे हैं इट हैज टू बी एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि इसमें आप खेल कूद में पढ़ाइए, बच्चे को प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ये भी उसका एक मील जो वो दे रहे हैं, एक टाइम का खाना दे रहे हैं, वो टाइम का खाना भी वो बढ़ाना चाह रहे थे। तो मोर ऐसा लगता है कि ये रूरल एरिया या उस तरह के स्कूल्स हैं उनके लिए विशेष तौर पे काम किया जा रहा है। फिर सेकंड, दूसरा अंत आपका फेज का आता है जहाँ पे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात करते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में फिर से वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इसको
एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करेगा, किताबें आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, पर यहाँ तक भी कोशिश की जा रही है कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। अब मातृभाषा में जो सेंट्रल स्कूल्स हैं सीबीएसई स्कूल्स में जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि आप अगर हिंदी के अंदर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो काफी समस्या आ सकती है। पर वो भी मैं कह रहा हूँ ये इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन की कहानी है, वक्त के साथ साथ पता चलेगा वो असल में चाह क्या रहे हैं, या इतने ब्लंटली वो चाह रहे हैं कि पांचवी क्लास तक के सारे स्कूल जो है हिंदी मीडियम हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा चाह रहे होंगे, बट फिर भी वक्त बताएगा इस बात को। सिक्स सेवन्थ एट छठी सातवीं आठवीं को वे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कह रहे हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा काम ज्यादा करेगा, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई ज्यादा होगी, इसलिए उन्होंने उसी टाइम पे वोकेशनल ट्रेनिंग को आगे ले आए, क्योंकि वो आत्मनिर्भर अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो नींद तो इसकी वहीं से शुरू होगी, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग क्राफ्ट इन सब पे वहां पे जोर दे रहे हैं उस बात का। नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ आपका चार साल का है, वो चार साल का वैसा ही रहेगा, तो अगर शहर की तरफ से देखा जाए तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, पर हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र में इसमें कुछ ज्यादा अंतर आए। एक तरफ हम देखते हैं कि जैसे हमारी परीक्षा का जो पैटर्न है, अब क्या होता है सेंटर की पॉलिसी बनती है, हर स्टेट उसको किस तरह से अपने पहलू में लेके चलता है उस पर भी प्रश्न उठेगा। तो अब राजस्थान बोर्ड एज इट इज इस समय भी फिफ्थ और एट स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम कर रहा था, अब इन्होंने उसमें रिक्वेस्ट अपील डाली है कि थर्ड फिफ्थ एट में एग्जाम्स होने चाहिए, तो उनको लगता है कि फिर से नींव में परीक्षाएं हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि बच्चा, क्योंकि कई बार वो देखते हैं पांचवी क्लास का बच्चा भी कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, तो उनको लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं टोक लिया जाए, संभल दिया जाए, समझा दिया जाए, तो शायद हो सकता है ये फिर से उस नीति के लिए होगा। एक अगर हमें पता हो कि पिछले पांच सात साल में जो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का प्रोग्राम चला था तो वो बाद में बंद कर दिया गया था, वो बंद करने के बाद में इस बार वो फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, तो ही जाके आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स और वो वाला एरिया का होगा, वरना वो उसको कर नहीं पाएंगे, तो ये भी उनको एक बार बहुत अच्छी तरह से उसको समझने की जरूरत है। दूसरा जो चाह रही है कि वोकेशनल कोर्स, देखो अगर जब आप स्टार्ट करेंगे नीचे अपना वोकेशनल कोर्स वोकेशनल क्लासेस, तो ही आप उसको आगे जाके ऊपर कॉलेज में स्किल बेस पे लेके जा पाएंगे। अगर बच्चे ने सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में वो एक्सपीरियंस लिया ही नहीं तो आगे जाके स्किल बेस वो कैसे करेगा कॉलेज में, तो इसलिए नीचे ठीक करने के लिए ये वाली गाथा इसमें जोड़ी गई है कि इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एक पक्ष दूसरा ये आता है कि RTE जो है राइट टू एडुकेशन, वो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हम खुद पहले बहुत परेशान होते थे स्कूलों में कि आठवीं क्लास तक तो राइट टू एडुकेशन है और उसके बाद में नहीं है, तो उसके बाद में फिर से ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा था, जो बात कर रहे हैं 2 करोड़ बच्चे स्कूल में वापस पुनः ज्वाइन करने चाहिए, 2.5-3 करोड़ बच्चे स्टूडेंट्स कॉलेज में आना चाहिए, वो एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, तो उस तहत के लिए उन्होंने राइट टू एडुकेशन को 8वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक यानी 18 साल की उम्र तक कर दिया है। तो यानी जो बच्चा 8वीं क्लास में राइट टू एडुकेशन तहत पढ़ रहा था, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो 9वीं नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था, वो अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं भी उसी स्कूल में कर पाएगा। अब ये जरूर स्कूल पे बोझा बढ़ता है, जो शुरू में पहले 8वीं क्लास तक का बच्चा का बोझा चल रहा था 4 साल का और होगा, पर ये गवर्नमेंट पॉलिसी है तो कोई उसको किसी का हक नहीं उसको कहने के लिए कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक प्रश्न ये भी आ रहा था कि जो पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अगर आप उसको विशेष तौर पे देखें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं तो इसीलिए उसको नीचे की तरफ से ही ठीक किया जा रहा है। तो पिछले साल हम लोगों ने काफी वर्कशॉप कार्यशाला जयपुर में चलाई थी, जहाँ पे 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चों को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नया रूल बना है वो आया है, और इस साल हम लोग खुद जयपुर में सिटी पैलेस के तहत करीब 1600 टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम 1st to 12th तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर आपको बच्चे को ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज देना है तो उसको आपको नीचे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो नीचे भी पहल आ रहा है, उसमें अलग अलग किस्म की टाइपोलॉजीज आएंगी, उस तरह से काम होगा। जहां तक लिबरल आर्ट्स की बात आती है, जब आपने कहा कि भी कॉलेज के अंदर बच्चा फिजिक्स के साथ में म्यूजिक सब्जेक्ट भी ले सकता है, तो स्कूलों में भी 11 स्टैंडर्ड में जब बच्चे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन उनके पास में है, पर एक ही समस्या है, कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैं सीबीएसई के लिए ज्यादा कह सकता हूँ कि वो अवेलेबल है, आप फिजिक्स के साथ में डांस ले लीजिए, बिजनेस स्टडीज ले लीजिए जो कि कॉमर्स का सब्जेक्ट है, और पॉलिटिकल साइंस भी ले लीजिए, उसमें कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए आप देखेंगे कॉलेजेस क्योंकि वो दे रहे हैं इसलिए नीचे भी बच्चों को मिलना शुरू हो गया, परंतु
ये तभी लागू है अगर स्कूल वो टाइम टेबल को सक्षम कर पाए। हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस स्कूल में हैं हमको ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अगर स्कूल में टाइम टेबल कॉम्बिनेशन है तो ही वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको मिलेगा। पर ये बात जरूर है कि पिछले 4-5 सालों में काफी स्कूल इनके बातों पे खुले हैं कि ये ऐसे कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि केवल एक लैंग्वेज देना जरूरी है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, बाकी आप कोई भी 4 सब्जेक्ट कोई भी किसी कॉम्बिनेशन के ले सकते हैं। मदर टंग, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और बैग पे बोझ कम डालो। यहां तक सरकार ये भी चाह रही है कि आप एक दिन हफ्ते में रखें जहां पे बैग लेके जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो तभी हो पाएगा जब स्कूल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होगी, एक्टिविटी बेस्ड की बात होगी, वरना वो कर ही नहीं पाएंगे। और मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, ये जो भी कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको स्कूल के अंदर एक आइडेंटिटी मिल जाएगी जहां पे वो आना चाहेंगे। पर एक बात मुझे लगता नहीं कि किसी को पसंद आए नहीं आए, पर आश्चर्य की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में सबसे पहले टीचर हैं जो निकाली गई हैं, वो सारी एक्टिविटी टीचर्स ही हैं। आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, उन्हीं पे सबसे पहले कहर पड़ा है। तो पॉलिसीज हम कुछ भी बना लें, पर होता हमेशा कुछ और है, या मतलब आई डोंट, मेरे को लगता है कि ये बात बोलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी स्कूल में देखिए सबसे पहले वही जॉब से निकाले गए। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और आपकी सारे पॉइंट, सारी बातें सुन के तो एक बात जो बहुत साफ हो जाती है स्कूल लेवल एजुकेशन के बारे में, वो ये है कि डेफिनेटली अब बच्चों पे बस्ते का बोझ कम होगा, शायद पढ़ाई का बोझ भी अब उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। मोर ऑफ हम नॉलेज की बात करेंगे, केवल शिक्षा की नहीं ज्ञान की भी बात करेंगे अब हम। नेहा जी, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी लंबा और बहुत वृहद अनुभव रहा है। मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी कि इस पॉलिसी के अंतर्गत उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में क्या इसके स्तंभ हैं, मतलब जो हम पिलर्स कहेंगे, पिलर्स ऑफ दिस पॉलिसी क्या हैं, और इन पिलर्स का हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम पे, शिक्षा प्रणाली पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद अनु जी, और सिटी लाइफ को मेरा धन्यवाद हमें और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए अपने विचार नई एजुकेशन, नई शिक्षा नीति के बारे में शेयर करने के लिए। स्तंभ क्या है ये पॉलिसी अच्छी है, पुरानी से किस तरह से अलग है, ये सब देखने से पहले ये समझना जरूरी है कि भारत को इस समय एक नई शिक्षा नीति की जरूरत क्यों थी, या एक फॉरवर्ड लुकिंग शिक्षा नीति की जरूरत क्यों थी। हिंदुस्तान हम सभी जानते हैं कि विश्व में दूसरे नंबर पर है अपनी जनसंख्या, अपनी आबादी के तरफ से, और 2030 तक शायद हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएंगे, हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। और हिंदुस्तान अपनी जगह बनाने में लगा है विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमीज में। हमारी सरकार का निरंतर ये ध्येय है कि हम 5 trillion की इकोनॉमी बनकर और विश्व की प्रमुख 5 इकोनॉमीज में अपना स्थान तय करें। जैसा कि आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए किसी और रिसोर्स से ज्यादा जरूरी है कि वहां का मानव संसाधन अच्छी गुणवत्ता का हो, और मानव संसाधन को एक गुणवत्ता प्रदान करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी, आपकी शिक्षा नीति, और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, वो सोचे समझे डायरेक्शन में हो। तो सबसे पहली बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो 2020 से इम्प्लीमेंट होगी, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है
कि ये आज के लिए या आज से 5 साल बाद के लिए नहीं बनाई गई है। इस पॉलिसी में वो उन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है जो कि हिंदुस्तान में बदलाव होंगे, हमारी आबादी में या हमारी जनसंख्या का जो मेकअप है उसमें जिस तरह के चेंजेस होंगे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह के चेंजेस होंगे, और आज से 15 साल 20 साल या 30 साल के बाद हमें किस तरह के मानव संसाधन की जरूरत होगी उसकी नींव आज से रखी जाए, तब अगली जनरेशन वैसी बनेगी। इस सोच के साथ में ये पॉलिसी अनाउंस की गई है। सो ये तो बहुत एक बड़ा स्टेप है एक डेवलपिंग नेशन के लिए जो अपना स्थान पक्का करना चाहता है डेवलप्ड नेशन के बीच में, कि हमने एक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है। इसकी इम्पोर्टेंस इससे भी पता चलती है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है, यानी कि एक पहली बार आजादी के 70 साल से ज्यादा के बाद पहली बार एक पूरी मिनिस्ट्री इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री 4.0 का आगाज हो चुका है और हिंदुस्तान अब वो टाइम चला गया है कि हिंदुस्तान 20 साल 15 साल पीछे होता था जो कि डेवलप्ड नेशन में हो रहा है। सो हम कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ अग्रसर हैं इंडस्ट्री 4.0 को अपनाने के लिए और उसका फायदा अपने लोगों को पहुंचाने के लिए। इसलिए इस शिक्षा नीति को भी एजुकेशन हिंदुस्तान का एजुकेशन 4.0 कहा जा रहा है कि चौथा आइटरेशन या चौथी कोशिश है ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी को दुनिया के समकक्ष लाके खड़ा करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हुई है, हर एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा नीति स्कूल के लिए होती है और फिर हायर एजुकेशन के लिए होती है, शायद ये पहली बार एक कोशिश है और जो जब इम्प्लीमेंट होगी जैसा संदीप जी ने कहा तब पता चलेगा, किंतु हायर एजुकेशन में जो होना चाहिए उसकी फाउंडेशन स्कूल में रखी जाए ऐसी कोशिश की गई है। सो वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उनको स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने की बात है, स्किल बेस्ड कोर्सेज को स्कूल में इंट्रोड्यूस करने की बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्कूल से ही चालू हो इस तरह की एक सोच है। फिर स्कूल का आखिरी साल जो है 12वें साल को किस तरह से कॉलेज एजुकेशन के साथ में जोड़ा जाए इसकी भी एक कोशिश की गई है। फाइनली जब ब्लूप्रिंट पूरा तैयार होगा और इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा कि हम दोनों को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बट जरूरी बात यह है कि एटलीस्ट ये सोच हमारे नीति बनाने वालों के ने सामने रखी है। जब एक सोच सामने रखी जाती है तब ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये रहती हैं कि वो इम्प्लीमेंट भी अच्छी तरह से होगी। आपने स्तंभों की बात की तो 5 मेजर पिलर्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के। सबसे पहले और सबसे ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी या पहुंच आखिरी व्यक्ति तक होनी चाहिए। पहले भी कहा गया है कि हम अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं वो 25% से भी कम है इस समय, उसे 2030 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा इस शिक्षा नीति के थ्रू। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का प्रावधान इस एजुकेशन पॉलिसी में है, और अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती है तो एटलीस्ट बड़े डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस
हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। आज कई जगह ऐसे हैं जहां पर बच्चे आगे इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके 50 किलोमीटर के अंदर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको अवेलेबल नहीं है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, हमारे देश की आधी जो आबादी है जो लड़कियां हैं उनको होता है, क्योंकि उन्हें घर से दूर भेजने में सबसे ज्यादा पेरेंट्स झिझकते हैं। दूसरी चीज है इक्विटी, हर एक को समान मौका मिलना चाहिए। तो आप सोसाइटी के, आप समाज के किसी भी वर्ग से आए, उसका इस पे असर नहीं होना चाहिए कि आपको पढ़ाई का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। सो इक्विटी दूसरा स्तंभ है इसका। तीसरा गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और यहां पर ये बात कही गई है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो शहर के कॉलेज हैं या एक डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है या एक तालुका लेवल पर जो शिक्षण संस्थान है, उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर नहीं होना चाहिए। तभी आप लास्ट माइल का जो स्टूडेंट है उसको पकड़ के और ऊंचा उठा सकेंगे। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक जैसे समान करिकुलम के साथ में प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा प्रोवाइड करके हम गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा ये पॉलिसी कहती है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, वहन करने की क्षमता, शिक्षा को वहन करने की क्षमता। सो फीस इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं कि हर तक वो पहुंच, दूर दूर तक ये पहुंचनी चाहिए, पर पेरेंट्स ये वहन ना कर पाए। सो एट सम लेवल किसी तरह से फीस के ऊपर एक कंट्रोल, जहां पर कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मनमानी फीस ना चार्ज कर सके और वो एजुकेशन को पब्लिक सर्विस की जगह एक प्रॉफिटेबल मीडियम या बिजनेस में ना कन्वर्ट कर सके, इस बात का इस पॉलिसी के ऊपर में ध्यान दिया जाएगा। और आखिरी है जवाबदारी, बहुत ही एक सुंदर फ्रेज यूज किया गया है इस पॉलिसी में, उसको कहा है लाइट बट टाइट, यानी कि कई एजेंसीज नहीं होंगी, आपकी स्टेट की एजेंसी, आपकी जिले की एजेंसी, आपकी सेंट्रल एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज की जगह एक सेंट्रल एजेंसी होगी जो कि मॉनिटर करेगी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स प्रोसेसेस। किंतु जो लोग इससे डेविएट करेंगे, जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है इसमें। तो ये पांच मेन पिलर्स हैं और इनको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर डॉक्टर कानबाला जी ने और संदीप जी ने जो बताया स्कूल और कॉलेज लेवल पे, वो माइक्रो मैनेजमेंट के टूल्स हैं। बहुत ही आपने संक्षेप में जो इसके पांच पिलर्स को एक्सप्लेन किया है बहुत ही बढ़िया तरह से नेहा जी, थैंक यू। कानन बाला मैडम के पास मैं वापस एक बार आना चाहूंगी। संदीप जी ने हमको बताया कि कोई भी पॉलिसी बनाना, उसका तात्पर्य और उसका क्रियान्वयन, ये तीन बहुत मेजर स्टेप्स हैं किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड। तो और हम ये जानते हैं कि कोई भी सरकार पॉलिसी बना सकती है, उसको लागू करने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली उसको लागू करना, उस के सारे फ्रेमवर्क को ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे है और उन्हीं को करना होगा। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कानबाला मैडम, कि स्नातक लेवल पे इस पॉलिसी को लागू करने के लिए आप एज एन एजुकेशनिस्ट, सीनियर एजुकेशनिस्ट, क्या राय देना चाहेंगी? ये बहुत सही बात ऊपर आई है अपने इस बातचीत में। संदीप जी ने बहुत सही कहा कि इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन, ये बड़े इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसको बहुत ही सजगता से, बहुत ही जागरूकता से हमें देखना पड़ेगा। मैंने देखा कि हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कई सारे नए कोर्सेज
लाते रहते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने कोर्सेज कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दे आर रिकग्नाइज्ड। तो उसको इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ग्लोबल लेवल पे ज्यादा जरूरी चीज है, इसको हमें लाना चाहिए, इसलिए हम इंट्रोड्यूस तो उसको कर देते हैं। पर मुश्किल तब आती है जब हम ग्रास रूट लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी फैकल्टी आपको चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया की फैकल्टी, अगर आपने नया कोर्स कोई शुरू करा है उसकी फैकल्टी आपको इनफ चाहिए और बहुत अच्छी चाहिए जो आपको इस कोर्स को आगे ले जा सके। तो अब करना ये चाहिए इन कॉलेजेस को और इन यूनिवर्सिटीज को कि जो एग्जिस्टिंग आपके कोर्सेज हैं, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से बढ़ाएं, उनको देखें कि आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपकी गुणवत्ता किस में है, आपकी आप किस में मजबूत हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप आगे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसा कि मैडम नेहा जी ने कहा अभी कि मल्टीडिसिप्लिनरी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू होने चाहिए। ये तभी बन पाएंगे जब कॉलेजेस में आप अपना अपना जो आपका बेस्ट है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस फैकल्टी को आप डेवलप करें, तभी जाकर के आप स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस हम बोलते हैं आईआईटीज वगैरह को, तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस हैं वो हर कॉलेज बनने के प्रयास करेगा तभी कुछ हो पाएगा। और वो हम तभी कर सकते हैं जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैकल्टी को बढ़ावा दें, उनको ट्रेनिंग इस तरह से दें, टेक्नोलॉजिकली साउंड करें, तभी जाकर के आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि टाइम टेबल एडजस्टमेंट्स बहुत दिक्कत वाले होते हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल वाली बात है। जब आप कॉलेज में टाइम टेबल बनाने बैठते हैं, अगर चार स्टूडेंट्स ने ऐसा कॉम्बिनेशन मांग लिया जिसमें आपके पास में माने कुछ अजीब सा कोई बिल्कुल ही इन्होंने फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट जो ये ले रहे हैं और दूसरी तरफ कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें कुछ भी आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चाहिए और कॉम्बिनेशन में आपका वही टाइम टेबल पड़ रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से आप ठीक कह रहे हैं, कॉलेजेस में हम लोग इतना ऑप्शंस नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट्स को, इसी वजह से, क्योंकि ये बैठता नहीं है ग्रास रूट लेवल पे, ये बैठता नहीं है। तो अब हमको एक ऐसी मशीनरी मैनूवर करनी पड़ेगी, ऐसा एक तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें आप हर स्टूडेंट को जो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं वो कर पाए। हर स्टूडेंट को नहीं कर पाए तो कम से कम आप कुछ प्रतिशत ले लीजिए, 10%, 20% कुछ ऐसा बना लीजिए कि आपकी ये कॉम्बिनेशन इतने बच्चे ले सकते हैं, चाहते हैं लेना, तो उनको देने का आप प्रयास कर पाएंगे। फिर आप जाकर के केटर कर पाएंगे ज्यादा स्टूडेंट्स को, और जिस जो आप अपने हमने एक लक्ष्य बनाया है कि हम मल्टीडिसिप्लिनरी करें, तो वो तभी हो पाएगा। सबसे ज्यादा फायदा इसको रिसर्च में होगा, आगे चलकर रिसर्च में होगा। रिसर्च में बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस तरह के मल्टीडिसिप्लिनरी एटीट्यूड की, क्योंकि क्या होता है कि जब आप उद्योग को कैटर करना चाहते हैं या किसी और जिस भी चीज को आप कैटर करना चाहते हैं, उसमें कई सारे पहलू होते हैं। सारे पहलुओं को देख करके आप तभी जाकर के उसमें कुछ सॉलिड इनपुट दे पाएंगे। जो रिसर्च आजकल हो रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बहुत अच्छी अपनी पॉकेट्स में हो रही है, पर वो रिसर्च आपकी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप मिलाएंगे नहीं, अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिलाएंगे नहीं, तब तक नहीं कर पाएंगे आप। तो ये कॉलेज स्नातक स्तर पर ही जब आप करेंगे तब जाकर के आगे आप इस तरह के, और बच्चों को आप काउंसल करिए, गिव देम प्रॉपर गाइडेंस, आप उनको बताइए अच्छी तरह से। तो दो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट इसमें आपको बोली है, पहली तो ये कि आप अपनी फैकल्टी को बहुत अच्छा ट्रेन करना शुरू करिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते जाइए, और तीसरा छात्रों को अच्छे से काउंसिल करिए। ये ना हो कि वो ये देखे कि अरे हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा वो भी कर सकते हैं, तो कुछ ना कर पाए, ये नहीं होना चाहिए। तो काउंसलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। हम लोग करते हैं काउंसलिंग, पर मुश्किल क्या होती है कि उनको बाहर काउंसलिंग इतनी सारी मिल जाती है कि वो हमारी काउंसलिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं ये सोचती हूँ कि उनको इस तरह से काउंसिल किया जाए कि उन्हें दिखे, आपकी एल्यूमिनाई दिखे, तो अच्छा से एल्यूमिनस हो, आपके सीनियर टीचर्स जो हैं वो अच्छी तरह से सोच समझ के उनको काउंसिल कर पाए। तो कुछ दोनों तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे छात्रों का भी रुझान
इस तरफ बढ़ेगा, नहीं तो सबसे पहले देर विल बी अ वेरी बिग बैरियर आइसबर्ग विच यू हैव टू ब्रेक. आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा, बच्चों को लगेगा, अरे ये क्या हो गया. तो ये नहीं होना चाहिए. तो ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो आप कर सोच करके चलेंगे अपन, तो इसका दूरगामी परिणाम जो हम सोच रहे हैं वो हमें जरूर प्राप्त होगा. मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे कई चीजें इसके पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया, मुझे इनके ये पहलू बहुत ही कारगर लग रहे हैं और बहुत काम के लग रहे हैं. तो ये धीरे धीरे हम करेंगे तो हो जाएगा. हर लेवल पर पैसा जरूरी है, जैसा कि संदीप जी ने भी कहा, आप बढ़ा दीजिए जितना इनपुट आप दे रहे हैं, बढ़ा दीजिए. अगर फीस आपने बहुत हाई कर दी तो बड़ा मुश्किल है. फीस वगैरह आप अगर आप हाई कर देंगे तो बच्चे नहीं आ पाएंगे. तो जाहिर है गवर्नमेंट को भी काफी योगदान देना पड़ेगा. तो जागरूक रहिए सब कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटीज वालों, सब लोग जागरूक रहिए. जब प्रोजेक्ट्स आए, जब ग्रांट्स आए, देखते रहिए. जैसे ही आते हैं आप उनको देखिए कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं. देने को तो वो दे सकते हैं, अभी भी बहुत ग्रांट्स मिलती है मैडम. डीएसटी बहुत देता है, यूजीसी बहुत देता है, एआईसीटी बहुत देता है, सारे सारे जितने भी अपने बॉडीज हैं, एनी नंबर ऑफ ग्रांट्स, अमटीन. पर वो काम की होनी चाहिए, आपको उनको लेना आना चाहिए, उन्हें यूज करना. तो ये है कि जागरूक रहेंगे और थोड़ा सा उसमें अपना अपना जिम्मेदारी निभाएंगे तो जरूर ये आप कारगर कर पाएंगे. ठीक कहा मैडम आपने कि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे. सर मैं एक बार वापस हमारे स्कूल लेवल एजुकेशन सिस्टम की तरफ अपना रुख करना चाहूंगी. इस पॉलिसी में बहुत से मुद्दों पे बातें की गई हैं, जिसमें वैल्यू रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज, मैडम ने बताया जैसा इक्विटी, वोकेशनल ट्रेनिंग. लेकिन स्कूल लेवल पे जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं रटन विद्या को खत्म करने पर जोर देना है. ये एक बहुत बड़ी, जो मैं एज पेरेंट सोचती हूँ कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में अभी तक ये बहुत बड़ा एक रहा है फ्लॉ कि हम केवल रटना 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 करते रहे हैं. तो सीबीएसई जैसी संस्था के साथ में काम करते हुए आपने नई पुरानी सब तरह की पॉलिसीज को देखा है, समझा है, तो हम जब ये सारे मुद्दों की बात करते हैं तो इससे हमारी नंबर वन की स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी में क्या फर्क आएगा. और मैं जरूर सोचती हूँ कि हमारे दर्शकों में बहुत से अभिभावक ऐसे होंगे जो एक चीज जानना चाहेंगे कि जब हम रटन विद्या खत्म करने की बात कर रहे हैं तो इसका असर आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं की जो वर्तमान प्रणाली है, जो उनको अभी प्रेजेंट में पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है, उस पे क्या असर आएगा. देखिए जैसा नीचे से अगर हम कोई चीज को चेंज करते हैं तो उसका असर ऊपर तो आएगा ही आएगा, और अगर हम ऊपर करना चाहते हैं तो भी हमको नीचे से चेंज करना ही पड़ेगा. तो पूरा वो जो रास्ता है वो पूरे रास्ते में चेंज आने ही वाला है. तो एक दो चीजें जो मेरे से रह गई थी, जैसे आपने इक्विटी के बारे में कहा तो हमने एक बात पे चर्चा नहीं कर पाए कि ट्रांसजेंडर को, इवन जेंडर के अंदर ट्रांसजेंडर को भी इक्विटी देना है. ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको अंडरलाइन करके डाला हुआ है. एक जो ये है कि एग्जामिनेशन पैटर्न, जब हम चाहते हैं कि बच्चा रटे नहीं तो हमको एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के लिए वो तैयारी करता है. तो परीक्षा की तैयारी ठीक करने के लिए हमने शुरू में तो डाल दिया कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगी, एक्सप्लोरिंग वाली पढ़ाई होगी. सिक्स सेवन्थ एट्थ में आते ही हम एम्फसाइज करें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, उसको तजुर्बा करना पड़ेगा कि वो क्या सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, वो उसका व्यक्तिगत में आना बहुत जरूरी है. तो वो परिवर्तन वहां पे आएगा. फिर जो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो पेपर है उसका जो असेसमेंट होगा, क्योंकि फिर से वो वापस लेकर रहे हैं एफएएसए पे. एफएएसए का ये मतलब है कि 50% आपका पेपर जो है वो आपका रिटन पेपर है और बाकी 50% आपने साल भर जो काम किया हुआ है उसके बेसिस पे है, और उसमें रिटन पेपर का बहुत कम रोल होगा. तो फिर से वो एक्टिविटी बेस्ड हो गया. तो एक्टिविटी बेस्ड जैसे कोई चीज होती है तो रटना उसमें गायब हो जाता है. ये आपका तजुर्बा होता है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उसको लेके आप आगे चलते हैं. और ये फिर से सारा डिपेंड करता है खेल कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा है. कई लोग इम्प्लीमेंटेशन का स्कीम समझ देते हैं और उसको बिना काम किए हुए भी करवा देते, तो फिर बच्चा तो सफर करेगा ही करेगा.
पर क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जो आने शुरू हो गए हैं इस साल से, 12वीं क्लास के पेपर में ये बैच को मिल गया था, तो अभी अगले साल 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं सब जगह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहुंचेगा। ये पूरा का पूरा जो एडुकेशन को थोड़ा भी अगर आप ये टाइपोलॉजी को समझें तो ये रट के आप नहीं आंसर कर सकते क्वेश्चन को। तो जो अभी जो उन्होंने 20 मार्क या 30 मार्क का जो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाला है, जो ऑलरेडी कॉलेजेस कर रहे हैं, वो रटने पर बेसिस पे नहीं आंसर उसका आता है, वो समझने पर ही आएगा। तो वही एग्जामिनेशन प्रोसीजर चेंज हो रहा है। और जहां तक हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात आती है, जब हम नीचे से कुछ चेंज करेंगे तो ऊपर चेंज लाएंगे ही लाएंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा था, और अगर आप ऊपर से कुछ चेंज कर रहे हैं तो नीचे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो वो भी मुझे लगता है कि वो चेंज ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ही पूरा पेपर करते हैं, इसलिए हम लोग नीचे से चेंज करके ऊपर को लेके जा रहे हैं। जैसे हम लोग ने तो चर्चा में कहा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अगर जब मैं एडुकेशन कमिटी में था, जो हमारा करिकुलम डेवलप होता था, तो इतना क्लियर था कि उस करिकुलम के अंदर जो हमारे कन्वीनर्स थे, सरप्राइजिंगली स्कूल के करिकुलम के कन्वीनर्स स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स नहीं थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उसका कारण ये था कि आप शिक्षा को किस तरफ लेके जा रहे हैं, आपका नेट प्रोडक्ट आउटपुट क्या होने वाला है, वो तो कॉलेज बताएगा। तो कन्वीनर कॉलेज का प्रोफेसर होता था जो कहता था यहाँ पे अब हम ये चाह रहे हैं, तो यानी कि कॉलेज के तीसरे सेकेंड या फर्स्ट ईयर पे हम ये चाह रहे हैं, तो उसको नींव नीचे ठीक करने के लिए उस कमिटी का हेड कन्वीनर होता था, क्योंकि वो बताएगा कि कॉलेज में क्या परिवर्तन आया है, तो आपको नीचे उसी हिसाब से चलना है। तो कई साल पहले जब हमारा प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हुआ, क्योंकि कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने वाला था, उन्होंने कहा नीचे सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क लाइए, क्योंकि हम ऊपर प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक, जैसे अभी इस साल में लॉकडाउन के कारण कोर्स डिलीट हो रहा है, कोर्स कम हो रहा है, वो सारा अप्रूवल कन्वीनर देता है कि ये वाला टॉपिक आप उसको मर्ज कर सकते हो, क्योंकि ऊपर फिर से वो पढ़ लेगा, तो चलो आप उसको अभी छोड़ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडुकेशन डिपार्टमेंट को, हम लोग को समझना, डिपार्टमेंट तो खैर समझता ही है, कि कॉलेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो तय करते हैं कि उनको नीचे एक तरह से किस तरह की फसल चाहिए, तो वो डायरेक्शंस उस हिसाब से देते हैं और उनको हमको केटर करना पड़ता है। तो हमारी जो पॉलिसीज नीचे की चेंज होती है वो इस डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या चेंज आ रहा है। आई थिंक करण बाला मैम इसको बहुत सहमति देंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे और हम लोग स्कूल लेवल पे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चलता है। तो पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसीज धीरे धीरे उसी स्टाइल से चेंज होगी, कोई कोई किसी को ऐसा परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए, ये एक संदीप जी ने पेरेंट्स के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग बात कही कि आईआईटी और नीट एस्पिरेंट बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ज्यादा चिंतित होने की और डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम उस हिसाब से ही चेंज होगा। मैं अब क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी वो है, इसलिए जल्दी से नेहा मैडम से एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अभी संदीप जी ने हमें स्कूल लेवल पे एजुकेशन पॉलिटी और सिस्टम में चेंजेस और उसके बारे में बताया, आपसे मैं उच्च शिक्षा में इसकी क्वालिटी, उच्च शिक्षा की क्वालिटी में क्या फर्क पड़ेगा, नंबर वन तो वो जानना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि क्या ये पॉलिसी हमारे युवा वर्ग को नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, मतलब स्थानीय और वैश्विक स्तर पे कंपटीशन के लिए तैयार कर पाने में सक्षम होगी। नया मैडम, अनुजय, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसके दो बहुत मुख्य पहलू हैं, एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और एक पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। तो जिस तरह से स्कूल में बोला गया है कि 5 साल, 3 साल, 3 साल, फिर 4 साल, उसी तरह से बहुत जरूरी है अगर हमें सही ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है और जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सके उस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को लिंक रखें, लेकिन उन्हें अलग अलग दृष्टि से देखें। और पोस्ट ग्रेजुएट में भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी
एक सामान्य जो ह्यूमैनिटीज बेसिक साइंसेस कॉमर्स ये शिक्षा होती है जो फाउंडेशनल कोर्सेज होते हैं, और उसके अलावा हमारे प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। तो कभी भी जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको फाउंडेशनल कोर्सेज जैसे और फाउंडेशनल कोर्सेज को टेक्निकल कोर्सेज जैसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की अप्रोच अलग अलग है और दोनों का जो हम अंत देख रहे हैं, उनका जो आउटकम हम लाना चाहते हैं, वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। ये सबसे बड़ी जो मेरे जैसे लोगों को जो चीज चिंतित कर रही है इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, वो ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि हम बृहद रिसर्च बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज जहां पर कि कम से कम 3000 स्टूडेंट्स पढ़ते हों, इस तरह की यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका निर्माण करेंगे अगले 20 साल में, तो जो स्टैंड अलोन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ही नीश एरिया में, बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और जिनको अगर हटा लिया जाए तो हमें हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो हमारे औद्योगिक जगत की बहुत ही मैन पावर से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उसका क्या होगा? मल्टी डिसिप्लिनरी और आर्ट ह्यूमैनिटीज को साथ में मिला के देना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल लेवल पर भी एप्लीकेबल है और किस हद तक एप्लीकेबल होना चाहिए? एक मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट एजुकेशन से हूं, तो मैं यहाँ की बात कर सकती हूँ कि क्रेडिट अगर मैं आर्ट्स क्राफ्ट्स म्यूजिक थिएटर वगैरह को सबको देने लगी, तो क्या हमारे जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं जैसे कि फाइनेंस ऑपरेशंस ह्यूमन रिसोर्स, क्या ये पीछे छूट जाएंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि स्टूडेंट्स उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और जिस चीज के लिए वो पढ़ने के लिए आएंगे वो पीछे रह जाएगी? तो इम्प्लीमेंटेशन में इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया के बहुत सारे देश हैं, यूएस EU की बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पहले कर चुकी हैं, और शायद उनके सिस्टम को स्टडी करके हम अपने यहाँ का सिस्टम ज्यादा रोबस्ट ज्यादा अच्छा बना सकेंगे। जहां तक क्वालिटी की बात है, उच्च शिक्षा के किसी भी शिक्षा उसके तीन मेन भागीदार होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं या मेंटर्स हैं, और तीसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटीज का एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज का एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो तीनों के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे उनको क्वालिटेटिवली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि ये शिक्षा नीति बात करती है कि रटंत विद्या को, रोट लर्निंग को कम करना चाहिए, और स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग की पावर, सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। सोचने की क्षमता तभी बढ़ाई जा सकती है जब आप उसको रटने के ओर अग्रसर ना करें, उन्हें खुद को सोचने दें कि अगर उन्होंने एक विषय पढ़ा है तो इसके आगे और क्या इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो खुद ये सोचे समझे। सो क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, दिस शुड बी द आउटकम, ये हमारी शिक्षा के आउटकम होने चाहिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। ये शिक्षा नीति टीचर्स के लिए शायद एक बून साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर डिग्निटी ऑफ टीचर की बात की जा रही है कि एक टीचर को समाज में जो उसका स्थान है और समाज में जो वो स्थान डिजर्व करती है या करता है वो कैसे दिलाया जाए। तो अगर एक टीचर को वो सम्मान प्राप्त होता है तो आई एम वेरी श्योर
कि जो हमारे देश के ब्राइट माइंड्स हैं, जो देश से बाहर चले जाते हैं उस सम्मान की खोज में, वो हमारी ही संस्थाओं में रहेंगे और हमारे ही यूथ को शिक्षित करेंगे। और जब ब्राइट माइंड्स जो खुद आगे की सोच सकते हैं, जब वो शिक्षा देने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी का अपने आप इम्प्रूवमेंट होता है। हम रिसर्च बेस की बात कर रहे हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की गई है, जहां पर कि ये प्रोविजन किया जा रहा है कि ना केवल पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, ना केवल सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को, बल्कि अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी रिसर्च के लिए ग्रांट दी जाएगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हमें कोई भी पॉलिसी बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो इस तरह का आर्थिक बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन इंस्टीट्यूशंस को ना डाले कि जिससे कि वो क्वालिटी से पीछे हटने को मजबूर हो जाए। तो अगर रिसर्च को प्रमोट करना है तो कम से कम शुरुआती दौर में गवर्नमेंट को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर रिसर्च के उसकी फंडिंग मिलनी शुरू होती है और इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने लग जाता है, तब आप उसी को वापस डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने आप काम चला सकते हैं। बट इनिशियली कम से कम इस किसी भी तरह के उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तीसरा, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पुलिसिंग की जगह पर एक पुलिस की तरह से ये सोच कर कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन चोरी करने के लिए ही बैठे हुए हैं, उसकी जगह एक दिशा देने वाला रोल दिया जाएगा, जहां पर कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास किस तरह की फैकल्टी और किस तरह की फैसिलिटी है। ऑफकोर्स उसके साथ जब एनवायरमेंट लिबरल होता है तो उसके साथ पनिशमेंट्स या पेनल्टीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। सो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा नीति जो हमने सुनी है, अभी तक जो खुद समझी है, वो एक फॉरवर्ड लुकिंग बहुत अच्छी नीति है। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन को भी उतनी ही सोच समझ के और एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर करना चाहिए। इसे हर एक को, आपको जो समझ में आया वैसा इम्प्लीमेंट कर लीजिए, इस तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जैसे नीति बनाने के लिए कमिटी थी, उसी तरह से उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल होने चाहिए गाइडेंस देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही शिक्षाविद का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों को इस नीति से जुड़े बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे, कई सारी नई बातें पता चली होंगी और डेफिनेटली अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हमारे पास समय की थोड़ी बाध्यता है, अन्यथा तो ये टॉपिक इतना लंबा है, इतना बृहद है कि हम इस पे जितना डिस्कशन चाहें उतना कर सकते हैं। मैं आप तीनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस विषय के अपने अमूल्य विचारों से हमको अवगत कराया। इसके साथ ही मैं सिटी लाइफ और सेवा सिटी की तरफ से आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। वंदे मातरम। धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.